मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ प्रेमी को पाने के लिए प्रेमिका अपनी माँ के साथ अनशन पर बैठ गई। प्रेमिका का कहना था कि प्रेमी ने धोखा दिया है, इसलिए वो अपनी माँ के साथ अनशन पर बैठी है। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और माँ बेटी को शांत कराया। प्रेमिका की माँ का आरोप है कि पिछले 3 साल से युवक रंजीत शाह और उसकी बेटी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वहीं युवती का कहना है कि रंजीत उसे शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ गलत करता रहा। मामला एक बार पहले भी थाने पहुंच चुका है, तब दोनों के बीच समझौता हो गया था, पर अब फिर बात बिगड़ गई। प्रेमिका का कहना है कि अगर उसकी शादी रंजीत से नहीं हुई तो वो मरना पसंद करेगी। फिलहाल इस प्रेम कहानी में पुलिस की क्या भूमिका रहने वाली है, ये वक्त रहते ही पता चलेगा। मरीज है, मैं अपने माँ बाप को नहीं बुला सकता, फिर मेरी लड़की रहम करी कि उसको लॉकअप से छुड़वा दे कि ठीक है अंजनी को माँ छुड़वा दो, अंजनी हमसे शादी कर देगा, तो क्या गलत करे? आप कहाँ की रहने वाली हैं? हनुमानगंज बरेनिया। और वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? महाजन का। महाजन का रहने वाला। तो क्या कैसे कब से? ये लोग का 3 साल से लंबा मरीज चल रहा है, काले जाती थी बैठन, कैसे कैसे दोनों ने मिलान कर लिया है, 3 साल से संबंध बना रहा है। अब शादी के चस्की दे करके लड़कियों की इज्जत लूट करके रोड पर हम लोगों को नचा रहा है। तो आपकी क्या मांग है? आप अभी यहाँ पे बीच रोड पे बैठी हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी लड़की इसके घर में आती है, फोन करता है, सुबह काले जाई थी तो फोन करके फिरकाता है, घुमा कर देता है, क्या थाना रिपोर्ट नहीं करने देता है, घुमा देता है। क्या लड़का बोलता है? बोलता है कि केस मुकदमा मत करो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, मतलब घुमा कर दिया है, प्यार में लेकर झसकी देता है, अपने प्यार के जाल में फंसाता है, जब फंसने का मौका लगता है पीछे बहका देता है। तो आप क्या चाहती हैं अभी? हम चाहते हैं कि वो शादी करे, मेरे लड़की को जैसे इज्जत बिगाड़ा है, बस। कहीं पुलिस को सूचना दी इस बारे में? बरगवा पुलिस को सूचना दी है, नवानगर थाने पुलिस को सूचना दी हूँ, समय से थाने में जा करके गुंडागिरी कर रहा है, हम लोग को गाली देता है, बोलता है मर्डर करा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तुम लोग पैसादार नहीं हो, गरीब हो, अब बोलता हम लोग को शादी नहीं करेंगे तुमसे। क्या आपकी अब तक पुलिस कोई मदद नहीं करती? पुलिस मदद करती है, पुलिस में कोई गलती नहीं है। तो जब पुलिस भी मदद करती है, सारी चीज होती है, तो फिर आप लोगों को क्या? गुंडागिरी करता है अंजनी, अंजनी नहीं कर रहा शादी। अनशन पे बैठी है, चक्का जाम करने की स्थिति बन रही है, क्या स्थिति हुई कि ये आप करने के लिए मजबूर? लड़का फरार है, शादी नहीं कर रहा है। कौन लड़का है, क्या पूरा मामला बताइए ना। अंजलि साहू 3 साल से हमसे शादी का नाटक किया, हमसे प्यार किया, हर एक चीज किया, शारीरिक शोषण भी किया, हमें छोड़ा, थाना में हमारे यहाँ आया, हमारे घर वाले उसको 100 नंबर फोन किए और उसको बरगवा थाना ले गए, बरगवा थाने में हमसे समझौता किया, बोला कि शादी करेंगे, अब शादी करने से मना कर रहा है, हमारी स्थिति आ गई है, रोड की हम कहाँ जाए, उनका ये कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं। दोनों के लोग के बीच में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि वो मना कर रहा है? हमें नहीं पता है क्या स्थिति, उसके घर वाले दबाव डालते हैं, चुप रहिए ना, जो हम सच्चे बताते हैं, सने नहीं देता है। मैं आपसे पूछ, रोड में हमको नहीं जाना, उसके घर जाना, उससे शादी करनी है, और हम कुछ नहीं जानते, हमारा इतना बेइज्जती हुआ, हम कहाँ जाएंगे बताइए, कौन से काबिल हम कौन रखेगा? तो आप कभी पुलिस को इसकी सूचना दी? हाँ, पुलिस सूचना दी है, पुलिस को सूचना दी, वहाँ से पुलिस क्या आपको बोली? मुकदमा हम दायर नहीं करेंगे, हम केस लड़ नहीं पाएंगे, मरना मंजूर है, लेकिन हम ये अब हम नहीं हो पाएगा, हम जिंदगी से हार चुके हैं। क्या नाम है आपका? प्रगति। कहाँ की रहने वाली है? बरगवा। बरगवा 3 नंबर।